हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए वीवो का V30 Pro का फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो, जो कि इंडिया में आज ही लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो हमारे पास ये फ़ोन आ चुका है रिटेल यूनिट। तो आज हम इस फ़ोन में बताएंगे दोस्तों क्या क्या यूनिक फीचर दिए हुए हैं, और 30 Pro में प्रीवियस मॉडल V29 Pro से क्या एडवांटेज मिल रहा है, और ये ज़ाइस का क्या एडवांटेज आपको मिलता है अगर आप अच्छे प्रोफेशनल लेवल फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा फोन ढूंढ रहे थे दोस्तों। तो ये वीडियो उनके लिए दोस्तों। तो बिना वीडियो को किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे हाथ में वीवो का V30 Pro, जो कि आपको काफ़ी बेहतर लुक एंड डिज़ाइन के साथ आया दोस्तों। काफ़ी फ्रेक लुक एंड डिज़ाइन दिया है। ट्रिपल कैमरा का स्लॉट है, यहाँ पे ऑरा लाइट का आपको यहाँ सेटअप दिया हुआ है, और सबसे बड़ी लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। प्लस ये अभी तक का इस प्राइस सेगमेंट का सबसे स्लिमेस्ट फोन है। इसका थिकनेस दोस्तों 7.45 mm का थिकनेस में आपको मिल जाता है, और लुक के डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। जाइल्स का आपको यहाँ पे कैमरा सेटअप मिल जाता है। तो आगे दिखाएंगे इसमें कैमरा में क्या क्या भोकालियत है इसमें आपको ऐड किया वीवो ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो कलर वेरियंट आते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक ब्लू कलर, एक ब्लैक कलर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ब्लैक कलर दिखा देंगे दोस्तों। अगर आप इसका आगे बताते हैं तो इसका फिजिकल ओवरव्यू, तो राइट हैंड साइड में आपको दोस्तों वॉल्यूम अप एंड डाउन पावर बटन, प्लस ऊपर के साइड में आपका सेकेंडरी माइक्रोफोन, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों प्रोफेशनली फोटोग्राफी, यहाँ पे एक टैगलाइन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नीचे के साइड में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है। तो सिम ट्रे आपको दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हाइब्रिड है या फिर सिम स्लॉट ही नहीं है। जहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिम ट्रे तो आपको मिलेगा, लेकिन सिम लगाने के लिए मेमोरी कार्ड लगाने की कोई जगह नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के इसके डिस्प्ले क्वालिटी के लिए। तो कंपनी इसमें आपको यहाँ पे दोस्तों 6.78 इंच के साथ एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz रिफ्रेश रेट है, पंचोल डिज़ाइन के साथ काफ़ी पतले पतले बेजल्स दिए हुए हैं, 3D कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, जिससे आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस और आपको यूज़ करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। बेजल्स नीचे जो चिन्ह दिया होता है दोस्तों काफ़ी पतले दिए हुए हैं, तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि आप वीडियो कितने तक मेगा वीडियो का तक, तो यहाँ पे आप YouTube पे वीडियो कितने तक प्ले कर सकते हैं, HDR10 सपोर्ट करते हैं, वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको हमने HDR वीडियो प्ले कर दिया है। अब देखते हैं इसका रेजोल्यूशन कहाँ तक जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 4K में 60fps में HDR वीडियो प्ले कर सकते हैं, और डिस्प्ले का क्वालिटी दोस्तों देख लीजिए आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। और यहाँ पर सिंगल स्पीकर है दोस्तों, तो यहाँ चाहिए कि ध्यान रखिएगा मोनो स्पीकर मिलता है। यहाँ स्टूडियो स्पीकर का एडवांटेज मिल जाता तो काफ़ी और अच्छा हो जाता। तो ये डिस्प्ले क्वालिटी कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्यू एंगल काफ़ी अच्छा है, और डिस्प्ले क्वालिटी तो ज़बरदस्त है ही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.5K का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो आपको 2800 nits का डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। तो मल्टीमीडिया यूज़ करने में आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, टच स्क्रीन फास्ट आपको मिलता है। प्लस वहीं हार्डवेयर पार्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर आपको यूज़ कर रहा है कंपनी ने मीडियाटेक का। प्लस 3.1 GHz का प्रोसेसर आपको मिल जाता है, 8 GB RAM है, 256 GB वेरियंट है दोस्तों। तो टोटल दो वेरियंट आते हैं 8/256, जिसका प्राइसिंग रखी है 42,000, और 12/512 GB RAM है, जिसका 47,000 दाम रखा है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम वीवो वी सीरीज में 512 GB का वेरियंट इसमें डाला है, और सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 14 के साथ दिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये हमने आपको बता दिया। प्लस इसमें 5 mAh की बैटरी मिल जाती है दोस्तों, और इसमें 80W का सुपर फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कैमरा की। तो कंपनी ने कैमरा पे आपको यहाँ पे जाइस का आपको सेटअप कैमरा दिया हुआ है, जो कि आपको 50x50x50 MP का कैमरा आपको मिल जाता है। और जो कैमरा का जो सेटअप है दोस्तों, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, दिखा देते हैं कि हमने पहले से कुछ फ़ोटो खींचे हुए थे, और फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर 50 MP कैमरा है, तो हमने पहले से कुछ फ़ोटो खींचे रखे थे, उसका हम कुछ दिखा देते हैं दोस्तों। और सामने आपको भी फ़ोटो क्लिक करके दिखा देते हैं कि इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। ये फ्लैश लाइट जला के दिखाया हमने दोस्तों, इसको ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैमरा क्वालिटी में कलर का तो डिटेल्स है दोस्तों, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये हमने फ्लैश लाइट का जला के दिखाया था, और
ये हमने फ्रंट कैमरा से फोटो खींचा था, तो डिटेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, कैमरा क्वालिटी में कोई तरह का दिक्कत आपको महसूस नहीं होगा दोस्तों, और कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, ये 2x पे खींचा हुआ दोस्तों, और ये हमने पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींचा हुआ है। बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर कर रहा है दोस्तों, कैमरा क्वालिटी में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये हम दोस्तों फ्रंट कैमरा से फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं, ये बैक कैमरा से आपको ज़ाइस पोर्ट्रेट लेंस का आपको इस्तेमाल किया गया है। आप कैमरा में दिखाते हैं, जैसे आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट स्टाइल में आपको यहाँ ज़ाइस का आपको सेटअप मिल जाता है लेंस के हिसाब से। तो हमने सब सेटअप का कैमरा हमने खींचा, तो उसमें आपको 6 ही मोड का से हमने फ़ोटो खींचा हुआ है, उसका आपको हम दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये हमने खींचा है 50 mm पे, ये दूसरे मोड में, ये तीसरे मोड में दोस्तों। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर कर रहा है, और बैकग्राउंड का सिनेरियो ही आपको ये चेंज करके दे रहा है दोस्तों। तो कैमरा क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छा है, ज़ाइस का इसमें सपोर्ट मिल जाता है। ये हमने आपको 2x में खींचा था, और ये सिनेमैटिक फ़ोटो में आपको हमने खींचा है, यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कैमरा क्वालिटी में ज़ाइस का इसमें सपोर्ट लिया है, और वो एक्स सीरीज़ का जो कैमरा सेटअप था वो लगभग आपको इसमें यहाँ पे सेटअप कर देता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे नाइट मोड है, फ्रंट एंड बैक कैमरा में माइक्रो मोड है। मोड ऑप्शन में जाने के बाद फ्रंट एंड बैक कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। प्लस यहाँ पे आपको मोड ऑप्शन में जाने के बाद हाई रेजोल्यूशन पर फोटो क्लिक कर सकते हैं, सुपर मून मोड है, चांद तरह का फोटो क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ के ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बैक कैमरा में आपको 4K में 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 4K तो बैक कैमरा में है ही, विथ 60 fps में है ही, और यहाँ पर आप कैमरा को आप वाइड एंगल में भी आप मूव कर सकते हैं। प्लस फ्रंट कैमरा भी आपको 4K में 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा आप जूम भी कर सकते हैं, किसी भी रंग में वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज के दौरान फ्रंट कैमरा को आप जूम नहीं कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ ध्यान रखें तो जैसे 4K में 60 है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। प्लस यहाँ पे एक यूनिक चीज़ दिया हुआ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम आप जैसे आप फ्रंट कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैक कैमरा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब कि यूजिंग के टाइम उसका कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। आप जैसे आप फ्रंट कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का हम कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हमने एक और फोटो खींच कर रखा हुआ था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग समय, वीडियो बनाते समय आप तो कर ही सकते हैं, फ्रंट कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। फ्रंट एंड बैक कैमरा एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ड्यू टू वीडियो रिकॉर्डिंग, ये अच्छा चीज है दोस्तों। 10x पे आप वीडियो जूम कर सकते हैं, फ्रंट में भी आप 2x तक वीडियो रिकॉर्ड वीडियो को जूम कर सकते हैं, विद 60 fps फ्रेम, ये काफी अच्छा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिहाज से आपको यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम वीडियो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैक कैमरा भी ऑन कर सकते हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ज़ाइस का ही इस्तेमाल किया गया है कंपनी ने यहाँ पे आपको। प्लस यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑरा लाइट दिया हुआ है, फोटोग्राफी के दौरान आप इसका इस्तेमाल एक नॉर्मल फ्लैश लाइट फ्लैश जलाने के टाइम, और प्लस ये रिंग लाइट दिया हुआ है जैसे ऑरा लाइट जिसको बोलते हैं दोस्तों। इसका ये पूरा कैमरा जो सेटअप दिया हुआ है, अपने हिसाब से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइट का कलर टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है, ये यूनिक फीचर दिए हुए हैं। तो आपको एक चीज़ बताते हैं फाइनिंग वर्ल्डी की तरफ, और काफ़ी पतला स्लिम सेट आपको हो जाता है। तो ये फ़ोन 40,000 से इसका 42,000 से इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है दोस्तों, 8256 और 47,000 में 12512 GB वेरिएंट आता है दोस्तों। तो ये अपने प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा तबाही मचाने वाला फ़ोन है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको डिज़ाइन यूनिक है, 3D कर्व डिस्प्ले है, डायमेंसिटी 8100 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ज़ाइस का सेटअप आपको मिल जाता है। तो कैमरा क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा में आपको 4K में 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़ाइस का कैमरा सेटअप मिल जाता है, सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अच्छे खासे सोनी का सेंसर मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू फॉर मनी दोस्तों, आप अपने लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी
40,000 तक बजट में काफ़ी अच्छा फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी होने वाला दोस्तों। इसका हम डिटेल रिव्यू कैमरा रिव्यू और लाएंगे दोस्तों इस वीडियो में। इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीवो V30 का वीडियो हम जल्द आपके लिए ला रहे हैं दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। और इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें तो आपको हम उस फोन का उससे फोन के साथ कंपैरिजन वीडियो बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।